अरे राजा, हमको छोड़ दो, हमको नहीं मालूम था तुम कौन हो, हमको प्लीज छोड़ दो। चुप करके बैठो, ये चीज तुमको पहले सोचना चाहिए था। एग्जाम दो बैठ के। एग्जाम? अरे अंग्रेजी नहीं समझते हो क्या? परीक्षा दो बैठ के। अरे वो तो हम समझ गए, किस चीज का परीक्षा, क्या चल रहा है यहाँ पे, हमको तो कुछ समझे भी नहीं आ रहा है। हम यूरोप घूमने के लिए आए थे, कहाँ फंस गए? अरे तुमको हम बताए थे ना फ्लाइट में, हम लोग का क्या चीज का बिजनेस है, भीख मांगने का बिजनेस है हम लोग का। तो अब जब तुमको हम भिखमंगा एसोसिएशन में ज्वाइन कर रहे हैं, तो तुमको एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। तुम क्या सोच रहे हो, तुम हमारी कंपनी में बिना एग्जाम दिए ज्वाइन हो जाओगे? इतना सस्ता है क्या? ऐसे ही तुमको भिखमंगा बना देंगे हम? भिखमंगा बनना है तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, दिल लगा के मेहनत करना पड़ेगा। अब हमारा मुंह मत देखो, चुपचाप से एग्जाम दो। अरे लेकिन हमको भिखमंगा नहीं बनना है ना भाई, काहे हमको पकड़ लियो? हम एक बार तुमसे माफी मांग लियो तो हमको माफ कर दो ना, जाने दो हमको यहाँ से। काला कद्दू, पता है टकला नेता यूरोप गया घूमने के लिए। हम लोग के पास भी पैसा होता तो हम लोग भी जाते ना यूरोप। हम लोग के पास तो कोई काम धंधा भी नहीं है, बताओ यूरोप कैसे जाएंगे? हम लोग तो एक रुपया भी नहीं कमाते, कम से कम कुछ भी कमाते, भले यूरोप नहीं जाते, यहाँ पे तो अपना शौक पूरा करते। तुमको घर बैठे पैसा कमाना है ना, हम बताते हैं। बस क्रोम पर टाइप करो www.skillclash.com, इसके बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, ये वही वेबसाइट है जिस पर तुम रोज गेम्स खेलकर 300-400 रुपए रोज के कमा सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि तुमको कोई भी ऐप या कोई भी APK अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करना है। यहाँ कैरम, क्विज, क्रिकेट, पूल, स्कैप, रन जैसे कई मजेदार गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हो, और जीते हुए पैसे पेटीएम, UPI या अमेजन पे पर इंस्टेंटली निकाल सकते हो। और अपने दोस्तों को रेफर करोगे तो उसके अलग पैसे मिलेंगे, और उनके बीच टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाओ उसके भी पैसे मिलेंगे। स्पेशल टूर्नामेंट में हेडफोन, मोबाइल, बाइक जैसे प्राइज भी जीत सकते हो। ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर हो गया है, मतलब यहाँ पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग गेम्स खेलते हैं। तुम भी ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अरे चुप करके रहो, एक बार बोले तो तुमको सुनाई नहीं देता है? अभी तो एग्जाम दिलवा रहे हैं, ज्यादा बोलोगे तो मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। और सुनो, एग्जाम में बढ़िया नंबर से पास होना, अगर फर्स्ट आए ना तो बढ़िया वाला मार्केट में बैठाएंगे तुमको भीख मांगने के लिए, और अगर फेल आए तो गटर के सामने बैठाएंगे तुमको। टकला कहीं का। अरे कहाँ फंस गए हम, हमको तो समझे भी नहीं आ रहा है, अपना बॉडी गार्ड सब पे लेके आना चाहिए था। अब देखे भाई क्या है, एग्जाम में भिखमंगा लग भी कौन एग्जाम देता है, देखे क्या पूछा है क्वेश्चन में। ये क्या है, भिखमंगा का विलोम शब्द लिखे, ये कौन पढ़ाई चल रहा है यहाँ पे, हमको तो समझे भी नहीं आ रहा है। ये भिखमंगा का विलोम शब्द क्या होता है? हमारे यहाँ तो भिखमंगा को भिखारी भी बोलते हैं, हो सकता है भिखारी इसका विलोम शब्द होता हो, लिख देते हैं। ए टकला, 2 नंबर का आंसर आता है क्या? अरे तुम्हारा बाप अगर टकला, टकला किसको बोलता है रे? अरे तुम टकला है तो तुम्ही को टकला बोलेंगे ना जी। अरे चुप करके आओ और अपना एग्जाम दो, हमसे बकैती मत करो ज्यादा। अरे बोल रहे हैं 2 नंबर का आंसर आता है, हाँ या ना का जवाब दो ना रे, फालतू का क्या बकवास कर रहे हो? तुमको भी कहीं प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछ लेना। हाँ ये आइडिया सही है, अगर हमको कोई प्रॉब्लम होगा तो इस लोग से पूछ लेंगे, ये लोग को तो नॉलेज होगा ना इस बारे में, अगर हम फेल हुए तो मारेगा हमको पकड़ के। हाँ रुको रुको, देख रहे हैं 2 नंबर में क्या है। अपने अंदाज में भीख कैसे मांगा जाता है उस पे एक कविता लिखें। अरे ये सब हमको नहीं आता है। अरे कोशिश करो, कोशिश करो, सोच के देखो, अगर कुछ समझ में आता है तो हमको भी बताओ, हम भी लिखेंगे। अच्छा अच्छा रुको रुको, सोचते हैं। अरे हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है। आइडिया, एक काम करते हैं, कोई भी नया गाना पे कुछ भी बना देते हैं। अरे बन गया, हाँ लिखो रे। ए भैया तू निकल तेरे बटुए को, ए भैया तू निकल तेरे बटुए को, मैं भीख मांग रहा हूँ मुझे भीख दी जाए, मैं भीख मांग रहा हूँ मुझे भीख दी जाए। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया कविता था टकला, इससे पहले तुम कहाँ पे भीख मांगता था? अरे क्या बकवास कर रहे हो जी, हम कोई भीख भीख नहीं मांगते थे, हम टकला नेता है, और बार बार हमको टकला मत बोलो समझे, एक तो मदद कर रहे हो ऊपर से बकवास कर रहे हो। अरे अरे इतना अकर कह रहे हो जी, भिखमंगा ही ना हो तो इतना अकर किस बात का है तुम्हारे अंदर? अरे तुम चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो, बोल दिए ना, अब हमको कहीं पे दिक्कत होगा तो बताना। हाँ हाँ बता देंगे बता देंगे, पहले पूछो तो। अरे गोरा कद्दू, बताए थे ना स्किल क्लास के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले फ्रेंड के साथ गेम खेला था और उसको बुरी तरीके से हरा दिया था, और ये देखो उसका पैसा फटाफट पेटीएम में आ गया, उसी का नोटिफिकेशन आया था। अरे ये क्या लिखा है, अपना भीख मांगने का जगह बदलने के संबंध में भिखमंगा एसोसिएशन को पत्र लिखे। अरे भाई 3 नंबर का आंसर आता है तुमको? अरे हाँ हाँ आता है हमको, ये तो बहुत आसान है, ये नहीं लिखे हो तुम, ये तो सबको आता है यहाँ पे जो बैठा है। अरे नहीं आता तब ये ना पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ क्या लिखे हो। हाँ लिखो, सेवा में
श्रीमान भिखमंगा प्रबंधक महोदय, आप नीचे लिखो। अरे यहाँ भिखमंगा का भी मैनेजर है क्या? अरे तुमको मालूम नहीं है तुम किस कंपनी में काम कर रहे हो? भिखमंगा एसोसिएशन में, यूरोप में कंपनी है ये। तुम क्या समझ रहे हो, छोटा मोटा कंपनी है ये। अभी तुम जिस फ्लाइट पे आए थे वो भी फ्लाइट इसका था, मालूम है ना तुमको, भिखमंगा एयरलाइंस। यहाँ पे मैनेजर, सीईओ, एमडी सब कुछ है, तुमको क्या लग रहा है? चुपचाप से लिखो जो बताते हैं। नीचे में लिखो विषय, भीख मांगने के जगह को बदलने के संबंध में। अब नीचे में लिखो महाशय, आप नीचे में लिखो निवेदन पूर्वक कहना है कि तुम्हारा नाम क्या है? अरे मेरा नाम टकला नेता है। अरे ये टकला नेता वगैरह सूट नहीं करता है, इससे तो तुम कोई पॉलिटिशियन लगेगा। लिखो मैं टकला भिखमंगा। अरे क्या बोल रहे जी, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो, हम टकला नेता लिखेंगे, टकला भिखमंगा नहीं लिखेंगे। हाँ तो जाओ फिर, फेल होना, फिर बैठाएगा तुमको गटर का सामने। अरे क्या चल रहा है जी, अरे टकला तुम कम बोले ना, अपना एग्जाम दो चुपचाप से बैठ के, काहे उससे पूछ रहे हो? अब देख लिए तुमको चीटिंग करते हुए या पूछते हुए किसी से, तो बिना कपड़ा का बैठेंगे तुमको भीख मांगने के लिए, समझे? अरे सर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमको। अरे कहाँ फंस गए, हमको तो समझे में नहीं आ रहा, हमको बचाएगा कौन यहाँ पे, हमको तो कोई जानता भी नहीं है यूरोप में। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, सॉरी उसको भी बोलो, वो तुम्हारा सीनियर है। अरे हम इसका सीनियर है सर, तब से हमसे उल्टा बात कर रहा है, हमको तो मालूम ही नहीं था, नहीं तो उसको बता देते अभी हम। ऐ टकला सॉरी बोलो हमको, चलो। ये बेटा भी ढेर होशियार बन रहा है, इस लोग का गैंग है ना, इसीलिए फुटानी चढ़ावा इस लोग को, हमारा आदमी से बता ना तो बता देते इस लोग को। सॉरी भैया माफ कर दीजिए हमको। हाँ ठीक है अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गए, कॉलेज में तुम्हारा दाखिला हो गया, तब तुमको बताएंगे, तुम्हारा रैगिंग करेंगे वहाँ पे। अरे क्या बात करे जी, इसके बाद हमको कॉलेज में भी जाना होगा और तुम हमारा रैगिंग करोगे? अरे टकला तुम नहीं आ, नहीं तो देंगे दू था, क्या बताया वो सीनियर है तुम्हारा, चुपचाप से एग्जाम दो। दे रहे, पता नहीं कहाँ फंस गए है। अरे दोस्तों हम पता नहीं कहाँ के फंस गए, हमारा मदद आप ही लोग कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए 25-30 हजार बार, तो ये मैसेज काला कद्दू और गोरा कद्दू तक पहुँचे, तो वो हमको बचाने के लिए आएगा, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। और आगे क्या होता है वो जानने के लिए टकला नेता कॉमेडी को सब्सक्राइब भी कीजिए, ये हमारा नया चैनल है, कितना बार बताएंगे आपको। और कमेंट करके बताइए क्या लगता है आपको, हम पास हो पाएंगे ये भिखमंगा एग्जाम में? और हमारा बनाया हुआ कविता आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, कोई भीख देगा वैसा कविता बोलेंगे तो यूरोप में। और भाई लोगों skillclass.com पर अभी जाओ और गेम्स खेलो और पैसे कमाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।